वो ये तो खुला हुआ है, बताओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाइयों, क्या हाल है आप सबके? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सो की ज़िंदगी में सुकून होगा, बहुत सो की ज़िंदगी में नहीं होगा। तो भाई सीन ऐसा है कि तीन दोस्त निकले लांडी की जानेब, नुमान भाई के कैटल फार्म की जानेब, और रोज़े में निकले और बहुत तेज़ धूप में गर्मी में निकले अपने शौक़ को पूरा करने और आप सबके लिए थोड़ी मोटी छोटी तफरी वाली वीडियो बनाने। और थोड़ा बहुत हम लोग डाउन हो चुके थे रास्ते की वजह से, और अल्लाह का करम है, एहसान है मालिक का, शौक़ का उरूज इतना है कि रोज़ा हमने रास्ते में खोला। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि यार रोज़ा रास्ते में क्यों खोला, नुमान भाई के पास क्यों नहीं खोला? तो भाई सीन ऐसा था, नुमान भाई बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि यार रुक जाओ, लेकिन मैंने उनको ये बोला था कि मैं रोज़े से बहुत पहले आऊँगा और जल्दी चले आऊँगा, तो मैंने इसलिए रुकना मुनासिब नहीं समझा कि यार नुमान भाई को बोला हुआ वो कोई खाने पीने का इंतज़ाम करें तो गलत हो जाएगा, एक इखलाक से गिरी हुई हरकत हो जाएगी हमारी तरफ से, यार गलत ऑफ सीन हो जाएगा। माशाल्लाह वहाँ जाके एज़ यूजुअल हर तरफ से जानवरों को देखा, हर जगह से देखा, हर तरह से देखा, और अल्लाह का करम है, डिसअपॉइंटमेंट क्या हो गया मेरी इंग्लिश वेयर आर यू, बहरहाल छोड़ो इंग्लिश बोलो ही नहीं, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत खुशी हुई वहाँ जाके, जानवर चारों तरफ से गोल हो रहा माशाल्लाह से, हर तरफ से A1 हुआ हुआ, एक नंबर हुआ हुआ। और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ तफरीहों में मसरूफ़ थे हम लोग, जानवर भाग रहा था ये वाला माशाल्लाह से, इसका नाम शायद रांझा था जो ये भाग रहा था, और पूरा वक्त इसने नचाया इन दो जानवरों ने, एक को तो फ़ौरन पकड़ लिया था, दूसरे को नहीं पकड़ा था, तो खैर काफ़ी टाइम दोनों ने नचाया फिर भी, और माशाल्लाह प्रोग्रेस बेहतरीन है। और अभी आगे फिर से इंशाल्लाह इनके फार्म पे चक्कर लगाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, क्या सीन बनता है इंशाल्लाह ताला। और ये 24 मतलब जितनी देर हम लोग वहाँ रहेंगे भाई साहब ये भागते ही रहे, इतनी देर में एक और खुल गए थे, एक ये जो भाग रहा था इसका तो मोरा ही नहीं था माशाल्लाह से, तो सीन ज़रा ऑफ थे लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। और मैंने ताहा भाई ने और हमारा एक भाई है TT बॉस, उनको TT बॉस कहते हैं, उनका नाम है उमर, हम तीनों का अचानक रैंडम प्लान बना के यार चलो नुमान भाई के फार्म पे चलते हैं, ये लोग गए नहीं थे, मैंने बोला चलो यार मैं लेके जाता हूँ, बाकी नुमान भाई ने माशाल्लाह से सारे जानवर दिखाए वो सब किया, और एज़ यूजुअल बहुत पसंद आए सारे जानवर, एक नंबर मज़ा आया जैसे हर बार आता है। ये कैडबरी मेरी ऑल टाइम फेवरेट, ये आप सबको पता है, पिछली बार भी ये थी माशाल्लाह, अब तो डबल ब्यूटी में आ गई है, बहुत बहुत प्यारी हो गई है। धनी एक्सप्रेस थी, ये भी बहुत ओके हो गई है, मतलब एक से बड़े एक हो गए जानवर यार, मतलब सारे जानवर। ये दुलदुल था मेरा फेवरेट बछड़ों में, और कैडबरी जो थी वो बछिया में। तो ये उस वक्त की वीडियो है जब वहाँ पे मैंने नमाज वमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने बोला था नुमान भाई अब तो नमाज नहीं पढ़ी थी, सॉरी नमाज से पहले की वीडियो है ये, कि मैंने नुमान भाई को बोला नुमान भाई जब जानवर बाहर बंद रहे होंगे तो एक आध जानवर मैं खोलूँगा, तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, जो जानवर खोलना है खोल लो, तो इसको मैं लेके गया हुआ था बाहर, खोला इसको मैंने, भाग ही नहीं रही थी, चल ही नहीं रही थी, असल में हम लोग पैंट शर्ट वगैरह पहन के आए हुए थे, वो कुर्ता शलवार में होते तो उससे ये लोग परेशान होते हैं जानवर, थोड़ा सा बहुत डरते हैं, खैर जितना भी चला लिया बहुत है। माशाल्लाह से A1 क्वालिटी के जानवर, एक नंबर जानवर, एक से बड़ा एक खूबसूरत जानवर हमेशा की तरह। ये सेठ साहब आ गए बेहतरीन माशाल्लाह अल्लाह ताला सब जानवरों को नदरे बद से बचाए, अमीन सुम्मा अमीन, और नुमान भाई को अच्छा सा प्रॉफिट हो जाए, अच्छा इनका काम हो जाए। बाकी ये वही आ गया उनका विलायती, ये सोल्ड आउट हो चुका है, मैंने आगे वीडियो में भी बताया है माशाल्लाह बकरे वगैरह, ये बकरी की बच्चों की माँ थी और ये बच्चे थे, मेल फीमेल बच्चे हैं माशाल्लाह से, और सारे एक से बड़े एक खूबसूरत और प्यारा प्रिंट का जानवर माशाल्लाह, और प्रोग्रेस वाला, मतलब हर तरफ से जानवर गोल हो रहा, हर तरफ से ओके हो रहा, ये बीच में आ जाता है बार बार, ये खुल गया था, इसका मोरा वोरा उतर गया था जब ये घूम रहा था, और ये छोटा बच्चा था, इसकी माँ भी होगी इधर ही कहीं, वो मैंने दिखाई होगी, लाजमी दिखाई होगी, तो बहरहाल एक से बड़ा एक जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, और TT बॉस ये फजूल के शॉर्ट्स ले रहे थे, इनको पता नहीं क्या सूझी हुई थी, शॉर्ट्स ले रहे थे, TT ने वीडियो बनाई भी है ये, तो आधे से ज़्यादा शॉर्ट्स उन्हीं के हैं, और ये मैं टहल रहा हूँ सामने अपनी टुनारी में अपने उसमें, लेकिन ये हो जाएगा।
मैं दंग रह गया हूँ तेरा हुस्न देख कर, आंखों की मस्तियां तेरे चेहरे को देख कर। ये चूड़ियां ये बालियां ये प्यारा सा लिबास, इतना हसीन देखा नहीं मैंने इंतजार। फिर उस पे सुरमा दानी से सुरमा लगाना, ऐसे जख्मों पे मेरे दिल के मरहम लगाना, जैसे गया हूँ तेरा हुस्न देख कर, आंखों की मस्तियां तेरे चेहरे को देख कर। ये चूड़ियां ये बालियां ये प्यारा सा लिबास, इतना। ये तो खुला हुआ है, बताओ तो सही। ये सब भी हो गया भाई, सब कैप्चर हो रहा है, सब कैप्चर हो रहा है। अरे माशाल्लाह यार। अच्छा ये सोल्ड आउट हो गया इनका शायद, ये कंफर्म नहीं है लेकिन शायद हो गया यार। ये सोल्ड हो गया ना, बिक गया ये है। हाँ हाँ ये वाला बिक गया। हाँ ये माशाल्लाह सोल्ड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह से। भाई वो स्टिल भाग रहा है वो वाला। तो सारे शॉर्ट्स हो गए उसके पीटी के पास। पकड़ लिया, गया वापसी आ गया। अब गया, अब नहीं आता बाहर। उसको दो पड़ गए, अब नहीं आता वो। हाँ हाँ नहीं, हाथ में आ गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। उसको दो पड़ गए ठीक ठाक करारे। यार ये वाला जो बछड़ा है भाई, ये अलग ही कसम मेरे दिल पे लगा। पिछले साल जब मैंने इसको देखा था ना, ये इतनी ख़त्म हालत में था कि आपकी सोच है। वीडियो में कुछ भी नहीं आ रहा, ये 10 मन 15 मन 12 मन 15 मन से ऊपर का बच्चा है माशाल्लाह। अब पता चला होगा ये जब इसने राउंड मारा है ना, अब पता चला होगा ये राउंड घूम रहा है ना, अब पता चला होगा ये। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो शाबाश माशाल्लाह। क्या खा रहा है ये? वो आया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार सारी एक से बढ़ गई है माशाल्लाह। ये एक में से इन दोनों में से एक का नाम रांझा है, दूसरे का नाम मुझे पता नहीं है। माशाल्लाह यार माशाल्लाह। माशाल्लाह यार, मतलब इसके अलावा मैं कुछ और बोल भी नहीं पा रहा माशाल्लाह के अलावा। आप लोग खुद ही इन्जॉय कर लो। उड़े ये बच्चे, इनकी बनाई ईटी बना बना, इनको मस्तियां करवाते हुए बना। 7-7.5 से ऊपर की बछड़ी है ये। ओए होए माशाल्लाह। वो आ गए, इनकी माँ ये रही और बच्चे देखो सफ़ेद। हाँ ये देखें, आंखें भी डिटेक्ट कर रहा हूँ मैं इनकी। अभी भिखारी लग रहे हैं, भीख मांगे खुदा की कसम। अल्लाह के सामने तो भिखारी हैं हम। अल्लाह इनके हक में बेहतरी फैसला करे भाई। अल्लाह इनको अच्छी लेडीज दे।